हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। तो जितने भी हमारे जेई और एई के एस्पिरेंट्स हैं, उन दोनों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एसएससी ने अपना यहाँ पर कैलेंडर निकाल दिया है फॉर द ईयर 2023 और 2024, है ना। इसके अंदर ना हमारे जो मेन काम की बात है, ये काम की बात है एसएससी जेई की पोस्ट, है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पर असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे होते हैं, वो लोग एसएससी जेई का पेपर तो जरूर देते ही देते हैं, है ना। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इन्होंने बोला है कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे ना, इन नोटिफिकेशन को रिलीज करने की डेट इन्होंने बोली है 26 जुलाई 2023। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये नोटिफिकेशन आप लोगों का यहाँ पर एंड हो जाएगा आपका 16 अगस्त 2023 के अंदर एसएससी जेई का, है ना, एसएससी जेई 2023 का। और अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम लग जाने वाला है। देखो, अभी आप लोगों को पता है, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर एसएससी जेई का एग्जाम देके कुछ टाइम पहले ही फ्री हुए हैं, है ना। अगेन वैकेंसी के बारे में नोटिस आप लोगों के सामने देखने को मिला है। देखो, इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 2000 प्लस वैकेंसीज थी, है ना। और तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिशन मोड के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने पहले भी बोला था, है ना, है ना। तो उसी बेसिस पे अगर काम करता रहा तो आप लोगों को इस आने वाले ईयर के अंदर भी आप लोगों को अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। इसके अलावा देखो, आरआरबी के अंदर देखो फिलहाल कोई श्योरिटी नहीं है कि आरआरबी का वैकेंसी कब आने वाली है, लेकिन सीनियर सेक्शन इंजीनियर के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। जेई का तो फिलहाल कोई मामला दिख नहीं रहा है ना, लेकिन आरआरबी के अंदर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का मामला थोड़ा सा आपका साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ना। अक्टूबर के अंदर इसका पेपर है, कहीं ना कहीं अगर बीच में आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ जाता है तो आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी आप लोगों के लिए, है ना। कैलेंडर जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर यदि आप लोग यहाँ पर इसकी तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ, आप लोग कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट हम लोगों का आप लोगों के पास होता है, आप जाके आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं ना। या फिर आपको किसी तरह से स्टडी मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है, है ना, तो स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं तो आपको यूट्यूब पर फ्री के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। बाकी अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए आप यहाँ पर हमारे जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं उनके ऊपर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स दिख रहे होंगे, है ना, साइड में, तो यहाँ इन नंबर्स पे आप, इन गिवन नंबर्स पे आप यहाँ पर कॉल करते हुए आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं हमारी, है ना, ठीक है। तो जो भी हमारे पास हम लोग आप लोगों को सहयोग कर पाएंगे, वो हम लोग आपको बेहतरीन तरीके से सहयोग करने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल तो देखो ये आ गई खुशखबरी वाली बात है, तो तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर अगेन चले जाओ, है ना। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों को बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसका सेपरेट तरीके से निकलता है ना। तो आप लोग घबराना नहीं है, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पहले प्री का दे चुके हैं एक बार, जिनको लगता है कि उनका चांस हो जाएगा, तो मेंस का इसमें शेड्यूल नहीं गई भी है ना, तो मेंस का अलग से निकालती है एसएससी, है ना। तो जब रिजल्ट निकल आएगा, रिजल्ट के बाद ही आप लोगों को लगभग लगभग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल इस अपडेट के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट अगर आप लोगों को और चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पर रेगुलर तरीके से चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, चैनल के अंदर आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर देना किसी दोस्त के साथ अगर यदि उसको रिक्वायर्ड रहे, उसको थोड़ी बहुत मोटिवेशन देनी हो तो, ठीक है। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय।